اللهم إني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نشكرك ونخلو ونترك من يبلغ اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن من عذابك من كفار الفسق अरे वाह, अरे वाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, 4:30 बज गए हैं और आज हम जा रहे हैं घर, क्योंकि घर पे रोजा इफ्तार। तो वैसे तो जो है ना कल से ही प्लान बन रहा था कि आज कराना है और फिर जो है ना दोपहर में जो है ना मतलब 11-12 बजे के टाइम पे थोड़ा सा कैंसिल हो गया था, कल कराएंगे। फिर एकदम से जो है ना गुलाबसा का कॉल आया अभी 2:30 बजे के बाजी करा रहे हैं क्योंकि उनको जो है ना चिकन पुलाव बनवाना था, तो बनाने वाले मिल नहीं रहे थे किस वजह से, तो एक मिल गया लास्ट टाइम पर, तो उनसे बनवा रहे हैं। तो इसलिए जो है ना गुलाबसा ने फिर 2:30 बजे बोल के, तो मैंने कहा अभी बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद फिर आऊंगी, क्योंकि यहाँ से ना भगोना और जो है ना बड़ा वाला भगोना और चूल्हा लेकर जाना है। तो जब भी बनना शुरू होगा तो मैंने बोला कि जब तक है ना तैयारी शुरू करो तब तक मैं लेकर आ रही हूँ। तो बस अभी बच्चों की बस चोटी वोटी कर दी है ना, तो वो लिए ही थे कपड़े, वो ही पहने ही हैं, तो बस इसलिए क्या है ये। तो बस अभी चलते हैं घर, आज की रोजा इफ्तारी होगी घर पे, यानी कि मेरे मायके। ठीक है, और आलिया जो है ना अपना ड्राइंग का सामान लेकर जा रही है, क्योंकि ये कर रही थी ड्राइंग, तो बोल रही है कि अब मैं वहां पर जाया करूंगी। अभी ना होता है ना कि छुट्टियों में कुछ ना कुछ तो मतलब करना पड़ता है, तो अभी चलते हैं। चले चलो, तो बस अभी हम लोग निकल गए हैं घर के लिए, तो बस फटाफट से पहुंचते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे घर से मेरे मायके की जो रास्ता है वो सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। रास्ता खराब होने की वजह से 10 से 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है ना बहुत धीमी चलानी पड़ती है। अगर सही हो ना तो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। तो बस मैं घर आ चुकी हूँ और यहाँ पर जो है ना चिकन पुलाव बनना शुरू हो गया है। जब मैं आई थी तो जो है ना तैयारी सारी हो गई थी, सभी ने मिलकर कर ली थी, तो मैं तो आई तो बस पापा से थोड़ी देर कर बातें की, फिर मैं जो है ना व्यू पर आ गई, तो यहाँ पर जो है ना चिकन पुलाव बनना शुरू हो गया। ये जीसान का दोस्त ही है जो कि नॉनवेज होटल पे ही काम करता है, तो इसलिए उसको बनाना आता है, तो फिर इसी ने हामी भर दी, तो इसलिए आज जो है ना हमारा जो है गुलाबसा का रोजा इफ्तारी का जो काम है वो हो गया, वरना फिर जो है ना ये कल के लिए हो रहा था कि कल करवाएंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना मावा भांजी में चल रहा है मजा, क्योंकि इनाया जो है ना अपनी टॉफी को कर रही थी गर्म और इसने जो है ना खा ली उसकी तोड़ के, तो इनाया हो गई है गुस्सा। तो बस यहाँ पर जो है ना प्याज हो रही है फ्राई, तो बस इसके बाद जो भी प्रोसेस रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से बनाया, बहुत ही लाजवाब। देखिए इसको अदरक लहसुन की पेस्ट को इसमें डाल दे, कटोरे में कौन सी कटोरी, अदरक कटोरे में, अरे जेना अदरक लहसुन का पेस्ट मिर्ची तेज नहीं करी है भाई दे दो इसमें प्याज निकालूंगा, गीली हो रहा वाली को तुम्हें
नहीं मिर्ची लग जाएगी, मैं दिखा रही दूर से। काहे जी बोते इलायची, अबे एक पाउच और डला परमा डाल दियो, पाउच लगा इलायची का पूरा बात। अबे बड़ी इलायची तूने कड़ी डाल दी। भैया पर्ची जन्म ये बना रहे हैं 5 किलो चावल की बिरयानी और 5 किलो चिकन की। इसमें इनने ये प्याज फ्राई की है, इसमें क्या क्या डाला है, हरी मिर्च और क्या जीरा है, दोड़े हैं, लौंग है, काली मिर्च है, तेज पत्ता, दालचीनी। ये फ्राई हो गई, हटो 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 भैया। जे हेल्पर है, जो पहले एसी के हेल्पर थे, अब खाने के हेल्पर है। देख ले भैया, दे हरी इलायची। जीतन मुर्गा पलट दे, वो अलग काम बता दे, मुर्गा पलट दे। तो अदरक लहसुन बाद में डालेगा मुर्गे के ऊपर? ठीक है। अच्छा हां भाई, अपन धनिया डाल दो ना, हल्दी का धनिया, केरक का धनिया नहीं, कौन बन जा रही भाई, अम्मी ने सिखाया। अब नए नए तरीके से बनने लगे। कपड़ा दे तौलिए, दे कुछ ध्यान में पड़ गया, मदर ले तू हेल्पर है, तो पूरा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम नहीं होता तेरे को, मेरे पास में नहीं होए डाल इसमें, इतना बड़ा तो बड़ा हो गया, तो दिख भी नहीं रहा। नींबू अभी से डाल दिया, इसमें कड़वापन नहीं आएगा। हमारी अभी चल रही टेस्टिंग, हम कैसे बनाते हैं ये देखो, हमें आता नहीं है बनाना। नहीं वो होते नहीं है, पार्लर काम सीखने आते हैं, अभी डाल देते हैं, लो इससे करवा। ठीक है, नहीं बने तो ठीक है, वो तो है, तो गट गट सट करो सब बन जाता है। चला रहा है हैदराबाद, फिरोजाबाद में पोहे खाते कहते हैं, फिरोजाबाद के हमारे पास बहुत लड़के आते हैं, तो मैं तुम्हारे नाश्ते में पोहे लेकर आता हूँ। कहते हैं जी क्या है, पुराना नहीं काम करना है वहाँ पे होटल पे, वहाँ तो मैं कह रहा पोहे खाओगे क्या, काय होते हैं ठीक है, होता है लेके आ रहा हूँ खाओगे। तेरा दही कितना डाला है इसमें? 300 ग्राम 300 ग्राम दही। इनायत तू क्या कूट रही है, जा ढक दियो, मामा से नहीं है। अरे जा रहा, ढक दे, मिर्ची लग जाएगी। जे गई लाल कुटी हुई मिर्च, लालम लाल, लालम लाल। कैसी होंगी ये, ज्यादा तीखी होंगी ना, लाल मिर्च है वो तो, बचा के ना, हमें ज्यादा नहीं है। डाल दे चल, डाल दे कौन दे तू, तो आज काजू बादाम ना, काजू बादाम इसमें डालते हैं। अब इतने डालनी है पीली मिर्ची, कितनी डालनी है जी? 50 ग्राम पीली मिर्ची, 50 ग्राम लाल मिर्च कड़ी, और आधी किलो हरी मिर्च, आधी किलो हरी मिर्च, 3 तरह की मिर्ची है, और मसाले कड़े। अब वो डालते हैं बिरयानी में, और काजू खाने के लिए सब रेडी है। बंट दे चावल पहले यार, 500 रुपए डाल लेना, खाते अल्हम्दुलिल्लाह चिकन पुलाव बनकर हो गया है रेडी, और बहुत ही अच्छा चिकन पुलाव बनकर रेडी हुआ था। तो बस यहाँ पर जो है ना, अभी हम फटाफट से इसको निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म ही इसको सभी के यहाँ पर भेज देते हैं। तो यहाँ पर नाजिया और मैं बैठ गए हैं दोने लगाने के लिए, तो ये नाजिया के रूम में, क्योंकि छत पे ही जो है ना बना था, तो हम यहीं की यहीं पर बैठ रहे हैं, क्योंकि नीचे ले जाने का क्या फ़ायदा, तो यहीं नाजिया के रूम में बैठकर हमने दोने तैयार किए हैं। और गुलफ़्सा, अक्सरा और जोया, जोया मेरी मामू की लड़की है, जो कि अक्सरा की बेस्ट फ्रेंड है, अगर कुछ भी होता है तो वो हेल्प कराने के लिए आ ही जाती है। तो बस ये तीनों मिलके जो है ना बांटने जाएंगी। तो बस यहाँ पर जो है ना, हम लोग जल्दी जल्दी जो है ना दोने लगा रहे थे, और बस यहाँ पर पीछे जो है ना ये तीनों जने बैठ गए खाने के लिए।
तो क्योंकि बाद में कमेंट आएंगे ये तीनों भा पीछे जो है ना खाना खा रहे हैं, तो मैं अभी बता देती हूँ कि हाँ बिरयानी मतलब पुलाव खा रहे हैं। मेरे मुंह में से बिरयानी निकलती है क्योंकि हमारे साइड ना बिरयानी बोला जाता है। अगर ठेले भी लगे होंगे ना चिकन पुलाव के तो उस पर यही लिखा होगा बिरयानी स्टॉल, तो ये है। और लेकिन जो है ना जो हैदराबादी है वो लोग मतलब सभी लोग बोलते कि ये बिरयानी नहीं पुलाव है। तो ये चीज़ का अंतर तो ना हमें जब से वीडियो बनाना स्टार्ट की है और जब से वीडियो में दिखाना स्टार्ट की तो ये अंतर हमें पता चल गया कि हाँ ये पुलाव है बिरयानी नहीं है। लेकिन हमारे साइड ना इसको बिरयानी ही बोला जाता है चाहे आप कुछ भी बोले। तो बस यहाँ पर जो है ना ये बड़े बड़े थाल थे जो कि नाजिया की शादी के ही है, शायद सगाई में मिली थी ये, तो वो हमने मंगा लिए हैं क्योंकि ये जो है ना काफ़ी बड़े हैं तो इनमें जो है ना दोने जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगे और एक बार में ज़्यादा जगह दिल जाएंगे, तो इसलिए जो है ना हमने ये मंगा लिए और नीचे रखे हुए थे सबसे वाले सबसे नीचे मतलब जो हमारा रूम है सबसे पुराना रूम उसमें ना बक्सा रखा हुआ है उसमें रखे हुए थे, तो उसी में से जो है ना हमने ये निकलवाए और बस इसमें हम दो थाल जो है ना लगा दे रहे हैं और दोनों जने ये ले जाएंगे और गुलबसा उठा उठा कर देती जाएगी, तो इस तरीके ये सारे दिल जाएंगे। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं नीचे, यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया है रोज़ा इफ्तार और अच्छी तरीके से जो पुलाव था सभी में बट गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जब हम रमज़ान में ऐसा कुछ करते हैं रोज़ा इफ्तार के लिए सभी के लिए खाना बनाते हैं और बांटते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।